एक पुराने बरगद के पेड़ पर बड़ा ही सुंदर घोंसला बनाकर चुनमुन चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चे राजा और राणा के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में रानी नाम की बुलबुल अपने बच्चे चुलबुल के साथ रहती थी। बुलबुल का बच्चा चुलबुल अपने नाम की ही तरह चंचल था। एक दिन सवेरे जब चुनमुन चिड़िया खाने की तलाश में घोंसले से उड़ गई, तो चुलबुल आहिस्ता आहिस्ता उसके घोंसले तक पहुंच गया। दोनों बच्चे राजा राणा सो रहे थे। दोनों बच्चे राणा और राजा जाग गए। वे इस अनपेक्षित आवाज को सुनकर डर गए। कौन माँ, कहाँ हो? तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है। चलो उठो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या करें हम? बोलो तो हम एक काम कर सकते हैं। हमें फल दे दो, हम खाने का काम कर सकते हैं। यही काम आता है हमें। हैं? फल चाहिए? बड़ा पेटू है तू। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो उल्टा लटका दूंगा। चलो दोनों मिलकर नाचो। आप सामने आओ और नाचो। क्या मुझे नाचने के लिए कह रहे हो? अरे ये बात नहीं है, दरअसल हमें नाचना नहीं आता। आप हमें नाच कर दिखाओ, तभी हम नाच पाएंगे। इतने में चुनमुन चिड़िया आ गई और उसने बुलबुल के बच्चे चुलबुल को देख लिया। क्या बात है चुलबुल, आज क्या नाचने की बात हो रही है? अरे काकी, ये दोनों मुझे नचाना चाहते हैं। मैं सीधा साधा बंदा, नाचने का फंडा नहीं आता मुझे। माँ, यह हमें डरा रहा था, नाचने को मजबूर कर रहा था, हमें डर लग रहा था। काकी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं इनसे दोस्ती यारी करना चाहता हूँ। चुनमुन चिड़िया ने अपने साथ लाया हुआ चारा बच्चों के साथ साथ चुलबुल को भी खिलाया। चुलबुल की दोस्ती राजा और राणा के साथ हो गई। वे तीनों मिलकर खेलने लगे। चुनमुन का ध्यान चुलबुल की तरफ गया। चुलबुल बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? माँ मेरे लिए स्वादिष्ट फल लेने गई हुई है। मैंने ही जिद की थी और वह मान गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, इतनी देर कभी नहीं लगती है। बेटा चुलबुल, तुम राजा और राणा के साथ खेलो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। चुनमुन चिड़िया उड़कर आगे निकल गई। वह जंगल की झाड़ियों के पास छोटे छोटे फलों के पेड़ों को देखने लगी। अचानक उसे सामने जमीन पर गिरी हुई रानी बुलबुल दिखाई पड़ी। वह झट से रानी के पास पहुंच गई। रानी का मृत शरीर पड़ा था, कई घाव लगे थे। पास ही में कुछ छोटे फल बिखरे हुए थे, जिसे रानी अपने बच्चे चुलबुल के लिए ले जाना चाहती थी। मृत रानी को देखकर चुनमुन का दिल दुख से भर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, मेरी प्यारी रानी का ये हाल किसने किया? सवेरे ही तो हम मिले थे, बड़े प्यार से चहक रही थी, उसने बड़े प्यार से मेरा हाल पूछा था। एक कौवा पास में बैठा हुआ था, उसने चुनमुन की बात सुन ली। अरे बुलबुल, रानी को बाज भूरा ने मारा है, वो सबसे बड़ा जालिम बाज है, उसने बहुत की हत्या की है। चुनमुन चिड़िया आंखों में आंसू भर कर वहाँ से उड़कर चल पड़ी। कुछ देर बाद वह अपने घोंसले के पास पहुँच गई। बुलबुल रानी का बेटा चुलबुल राजा और राणा के साथ खेल रहा था। वह इस बात था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। चुनमुन ने ध्यान से देखा तो चुलबुल को चोट लगी हुई थी। चुलबुल बेटा, यह चोट कैसे आई? काकी, खेल खेल में फिसल गया था। माँ, चुलबुल की कोई गलती नहीं थी, वह मुझे बचाते हुए फिसल गया, मैं बच गया और ये बेचारा जख्मी हो गया। काकी, माँ कहाँ है? वह किसी पेड़ पर छिपी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, वो छिपी नहीं है, ऐसा लगता है बहुत दूर चली गई है। चुलबुल के मासूम चेहरे को देखते हुए चुनमुन की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वह रानी बुलबुल की मृत्यु की सच्चाई को प्रकट कर दे। चुनमुन ने घोंसले से कुछ औषधि निकाली और उसे चुलबुल के जख्म की जगह पर लगा दिया। चुलबुल दर्द से ज्यादा माँ के न आने से परेशान हो गया था। काकी, माँ की बहुत याद आ रही है, मैं इतनी देर तक उनसे कभी दूर नहीं रहा हूँ, वो आ जाएंगी ना? बेटा चिंता मत करो, जिसे आना होता है वो आ ही जाता है। और चुनमुन आगे बोल नहीं पाई और रोने लगी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, सच सच बताओ ना। इतने में कौवा वहाँ आ गया।
और उसने अपनी कर्कश आवाज में सब कुछ बोल दिया। चुनमुन, बुलबुल के बच्चे को बता दो कि उसकी माँ मर चुकी है। मरने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं। ऐसा मत कहो, मेरी माँ जिंदा है, वो लौट कर जरूर आएगी। अरे बुलबुल के बच्चे, मैंने तेरी माँ की लाश देखी है, मेरे साथ आ, तुझे भी दिखा दूंगा, वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। चुलबुल के जिद करने पर चुनमुन उसे उस स्थान पर ले गई, जहाँ पर रानी बुलबुल का मृत शरीर पड़ा हुआ था। माँ को देखकर चुलबुल दुख से तड़प उठा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। माँ, ये सब क्या हो गया? अब मैं किसे माँ कह के पुकारूंगा? मुझे कौन प्यार करेगा? मेरा कोई सहारा नहीं रहा, मैं अकेला हो गया। माँ, चुनमुन चिड़िया ने उसे बहुत समझाया और हर तरह से सांत्वना दी। बेटा चुलबुल, हिम्मत से काम लो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अब मेरे दो नहीं तीन बच्चे हैं, चुलबुल, राजा और राणा। हाँ भैया, अब तुम हमारे बड़े भैया हो और हम तुम्हारे अनुज यानी छोटे भाई हैं। अब हमें माँ और भैया दोनों का प्यार मिलेगा। हाँ बेटा, अब हम चारों एक हैं। मुझे एक बार माँ कहकर पुकारो। इतना कहकर चुलबुल चुनमुन के पास पहुंच गया। उसके दोनों भाई राजा और राणा भी पास आ गए। माँ चुनमुन ने अपने तीनों बच्चों पर ममता का आंचल फैला दिया। दक्षिण के घने जंगल में आनंदपूर्ण जीवन था। उसी जंगल में सोना कबूतर रहती थी। वह हर साल इस आस में घोंसला तैयार करती थी कि शायद उसे इस साल बच्चों का सुख मिलेगा, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगती। इस साल भी उसने घोंसला बनाया, लेकिन एक दिन जंगल में खूब भयंकर तूफान आया और पूरा जंगल अस्त व्यस्त हो गया। कई जानवर घायल हुए। तूफान गुजरने के बाद सब एक दूसरे की मदद करने लगे। सोना भी घायल पक्षियों के लिए दाना पानी ढूंढने लगी। तभी उसे एक अंडा जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। सोना कबूतर उड़कर उसके पास गई और आसपास देखा कि शायद उसकी माँ वहाँ हो, लेकिन वहाँ टूटे हुए घोंसले के सिवा कुछ नहीं था। बेचारा, तूफान के कारण माँ से बिछड़ गया है, इसका तो घोंसला भी टूट चुका है। सोना ने अंडे को ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं समझा, तो वह अंडे को अपने घोंसले में ले आई और कुछ दिन बाद अंडे से बच्चा निकल आया। लेकिन बच्चे को देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि वह एक बाज का बच्चा था। लेकिन फिर भी सोना अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करने लगी और नाम रखा बानू। लेकिन यह बात जब दूसरे पक्षियों को पता चली तो उन्होंने आपत्ति जताई। अरे सोना, ये क्या कर रही हो तुम? दुश्मन के बच्चे को पाल रही हो? नहीं नहीं कालू भैया, यह मेरा बेटा है, मैं इसका लालन पालन कर रही हूँ, इससे हमें नुकसान नहीं पहुँचेगा। अरे सोना बहन, सांप को कितना ही दूध पिला दो, रहता तो वह जहरीला ही है। वही तो भला, एक बाज की माँ कबूतर कैसे हो सकती है? हम भी कोई खतरे की संभावना नहीं रख सकते, हम सब मिलकर इस बाज के बच्चे को भगा देंगे। अगर ऐसा है तो मैं अपने बच्चे के साथ दूर चली जाऊंगी, लेकिन कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। ये सब बातें पास बैठा बानू भी सुन रहा था। उसने सोना से पूछा, माँ ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या आप मेरी माँ नहीं हो? नहीं मेरे बच्चे, तू ही मेरा लाल है। अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, अपने नए घर में। और सोना कबूतर बानू के साथ नदी के दूसरी तरफ चली गई। वहाँ सोना उसे उड़ना सिखाती, जंगल के खतरों से बचने के तरीके भी सिखाती। धीरे धीरे बानू उड़ना सीख गया, वह सोना से भी ऊंचा उड़ने लगा। देखो माँ, मैं उड़ रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है माँ। बानू को खुश देख सोना भी बहुत खुश होती। इस तरह दोनों का जीवन खूब आनंद में गुजर रहा था कि एक दिन बानू जल्दबाजी में उड़ते उड़ते सोना के पास पहुंचा और बोला, माँ माँ, पास के जंगल में सांपों का झुंड आ गया है, वे सांप अंडे खा रहे हैं,
हे राम, ये कैसी मुसीबत है। हाँ माँ, हमें कुछ करना चाहिए। फिर बानू और सोना उड़कर जंगल की तरफ गए और जाकर देखा तो सारे पक्षी खूब डरे हुए थे और एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर बैठे थे। कालू भैया, आप सब ऐसे क्यों डरे हुए हैं? हमें मिलकर सामना करना चाहिए। क्या करें, ये सांप बहुत जहरीले हैं। एक बार भी डस लिया तो भगवान को प्यारा होना निश्चित है। तभी एक सांप पीपल के पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे देख सारे पक्षी घबरा गए। सांप लगभग ऊपर तक पहुंच गया था कि तभी बानू सांप पर झपट पड़ा। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब छोटा बच्चा हमें डराएगा। ए बच्चे, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो रास्ते से हट जा। लेकिन बानू नहीं माना। फिर क्या था, बानू सांपों के झुंड के बीच खूब घमासान हुआ। बानू ने एक सांप को पछाड़ दिया और अपने पंजों में पकड़कर नदी की दूसरी तरफ फेंकाया। बानू जब आखिरी सांप को छोड़कर लौटा तो गश खाकर गिर पड़ा। बानू, क्या हुआ बेटा? बानू। लेकिन बानू सही से बोल नहीं पा रहा था। दरअसल सांपों के बीच की झड़प में एक सांप ने बानू को काट लिया था। ये देख सब चिंता में पड़ गए। बानू बेटा, थोड़ी हिम्मत रखो, अभी हमें तुमसे माफी मांगनी भी बाकी है। हमने तुम्हें और सोना को भला बुरा कहा और ये जंगल छोड़ने पर मजबूर किया, और वहीं तुमने परोपकार में अपनी जान की बाजी लगा दी। हमें माफ कर दो बेटा। यह सुन बानू मुस्कराया और सोना से बोला, माँ तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और बानू ने हमेशा के लिए आंखें मूंद।